तो पिछले 28 अक्टूबर से शुरू हुए उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े खेल समारोह का समापन यूपी के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने किया। खेल मंत्री ने इस दौरान कहा कि प्रदेश में स्कूली खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। इस तरह के आयोजन निश्चित रूप से खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने में काम आते हैं। ऐसे ही खेल आयोजनों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकलते हैं। उन्होंने इस दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 17 से लेकर अब तक देहात क्षेत्र के ग्रामीण और खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा 41 स्टेडियमों का निर्माण कराया गया है। स्टेडियम के माध्यम से निश्चित रूप से ग्रामीण परिवेश में खेलों को बढ़ावा देने का काम योगी सरकार कर रही है। एथलेटिक्स में प्रतिभा किया और 9 नए रिकॉर्ड इस वर्ष कायम हुए हैं। 16वें वर्ष में 9 नए रिकॉर्ड बने हैं। तो एक बार जोरदार स्पॉन्सर्ड बाय मिस्टर राजीव दीक्षित जी। अभी इससे पहले जो ट्रॉफी दी गई थी हमारे कौशिक साहब और उनके परिवार के द्वारा दी गई थी, और ये राजीव दीक्षित जी के द्वारा ये ट्रॉफी प्रदान की जा रही है। तो विनर ऑफ द जोरदार तालियां बजा दीजिए अलकनंदा अकादमिक स्कूल के लिए। भाई भाई थोड़ा नीचे मोबाइल ना सर। And now, मून स्कूल ओलंपिक 2022 हुआ है। आयोजन समिति के सभी सदस्यों को मैंने बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामना है कि खिलाड़ियों के लिए सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है और खेल जगत में खिलाड़ियों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा हो, तभी प्रतिभाएं निकलती हैं। तो इस आयोजन के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को अवसर मिले हैं, प्रतिस्पर्धा हुई है जिसमें प्रतिभाएं निकल कर सामने आई, उन सबको